आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे जो पीपोल ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स थी, जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारी 5-6 टेक्निक्स थी। उसमें से हमने रिडंडेंट कोड एलिमिनेशन देख लिया था और अनरीचेबल कोड्स को कैसे एलिमिनेट और आइडेंटिफाई करते हैं वो हमने देख लिया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो फ्लो कंट्रोल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक को कवर करेगा। जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये जो काम होगा, ये फ्लो कंट्रोल का ऑप्टिमाइजेशन है, वह फ्लोइंग ऑफ कोड यानी कोड का एक एक लाइन से दूसरे लाइन पर जाना या दूसरे लाइन से किसी दूसरी जगह पर जंप करना, उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि गो टू जो है आपको जाना है कहाँ पर, L1 पर। गो टू L1 यानी ये हमारी कंडीशन यानी अनकंडीशनल जंप हो गया। अनकंडीशनल जंप बैक पैचिंग की वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि किस तरह से हम गो टू स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ लाइन ऑफ कोड्स होंगे और फिर यहाँ पर हमको जो दिया है वो L1 दिया है, L1 यानी लाइन नंबर। और यहाँ पे ये क्या कहता है कि आपको गो टू L2 पर जाना है और फिर लाइन कुछ सेगमेंट ऑफ कोड्स होंगे। फिर इसके बाद हमको क्या कहता है कि L2 पे जो काम होगा वो क्या है कि A=B, ये काम जो है वो L2 पर होगा। तो सबसे पहले हम फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन पर बात कर रहे हैं। तो फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन पर हम ये देख लें कि हमको अननेसेसरी जंप्स जो हैं हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर गो टू आप L1 पर जाइए और L1 जो हमको इंस्ट्रक्शन देता है वो क्या इंस्ट्रक्शन देता है, गो टू L2, यानी आप यहाँ से कहाँ पर आएंगे, L1 पर आएंगे, और L1 से कहाँ जाएंगे, L2 पर जाएंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर कोड को, तो ये हमारे लिए क्या बना, ये एक अननेसेसरी जंप बना। अब इसको अगर हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि जब हमें डायरेक्ट L2 पर जाना है, तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इस तरह से कि गो टू डायरेक्ट L2 पर जाओ, तो ये जो कोड है हमारा, ये अननेसेसरी जंप जो है ये स्टॉप हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस कोड को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, गो टू L2, यानी ये मॉडिफाइड वाला कोड हो गया। तो गो टू कहाँ जाइए, डायरेक्ट आप L2 पर जाइए, और L2 पर क्या मिलेगा हमको, जो भी इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो, तो A=B हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। तो गाइज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, यानी हमने क्या किया, इसको ऑप्टिमाइज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है किसकी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की। तो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ये भी एक पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है। और एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पे गाइस क्या होता है कि जो भी हमारे पास एल्जेब्रिक मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उसको हमको समझना है और उसको ऑप्टिमाइज यानी सिंप्लीफाइड वे में हमको लिखना है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि x एक वेरिएबल है और इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आप 0 को ऐड करते हैं, यानी ये लाइन ऑफ कोड आपने कहीं ना कहीं किसी कोड पर लिखी है। तो आप किसी वेरिएबल पर आप 0 लिखें, सपोज से फॉर द एग्जाम्पल अगर x=10 है और 10 में आप 0 को ऐड करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो x=10 ही आएगी। तो इस तरह के कोड को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन वर्जन क्या होगा, वो x=10 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, और हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे y y बराबर अगर हमने लिखा और y मल्टीप्लाई ऑफ 1 करते हैं, और y का वैल्यू अगर मैं लिख देता हूँ 100 और 100 में आप 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो फाइनल वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 100 मिलेगी। तो अननेसेसरी हम ये कंप्यूटेशन को स्टॉप कर दें, यानी हम एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर को ये इस तरह का काम करके अपनी मेमोरी वेस्ट नहीं करना है, रजिस्टर को एलोकेट नहीं करना है, डायरेक्ट जो है वैल्यू वो हम असाइन कर दें। तो यहाँ वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और कंप्यूटर और कंपाइलर की जो एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी है, स्पेस है, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और स्पेस को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट जो टेक्निक, एक और टेक्निक है वो है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ की। तो रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मीनिंग गाइज होती है जो भी हमको इक्वेशन दिया है या जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइज वे में लिखें।
अगर हम इसको हार्डर कोड में लिखेंगे तो क्या होता है, इसको उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। ओके, तो हम उस तरह से यूज ना करके हम उसको क्या करें, सिंप्लीफाइज वे में लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, अच्छा ये टेक्निक का नाम है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। तो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ में क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमें दिया गया है कि एक्स टू, इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, इसका मीनिंग होता है एक्स मल्टीप्लाई ऑफ एक्स, क्लियर। और यहां पर हमने जो जो नोटेशन यूज किया है ये पावर वाला नोटेशन यूज कर दिया, क्लियर। अगर अब ये पावर वाला नोटेशन यूज किया तो हम इसको इस तरह से ना लिखकर हम इसको सिंप्लीफाइज वे में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ है, इसको कंप्यूट करना, इस चीज को कंप्यूट करना इसके कंपैरिजन में बिट ऑफ इजी है। ओके, तो बिट ऑफ इजी जो है वो हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल को रिमूव करके इट इज रिक्वायर्ड द सम एक्स्ट्रा टाइम, तो वी आर अवॉइडिंग दीज काइंड ऑफ थिंग। हम इनके इंस्टेंस में इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे टू मल्टीप्लाई ऑफ एक्स अगर करें तो टू मल्टीप्लाई एक्स का मतलब क्या है, यानी हम एक्स को दो बार क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर एक और एक्स हो जाएगा। तो एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस इज लिटिल बिट ऑफ इजियर। तो ये कहलाता है स्ट्रेंथ, यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को लिटिल बिट रिड्यूस करना, कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। तो ये कहलाते हैं एग्जाम्पल, ये टेक्निक है जिसको हम रिडक्शन इन स्ट्रेंथ में कहते हैं। और लास्ट हमारे पास जो टेक्निक है कोड ऑप्टिमाइजेशन में, पीपल ऑप्टिमाइजेशन में, उसको कहते हैं मशीन आइडियम्स को यूज करना। मशीन आइडियम्स का गाइस मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझ लें कि जो भी आइडियम्स होते हैं इसका मीनिंग है कि प्री डिसाइडेड वर्ड। प्री डिसाइडेड वर्ड को आप डायरेक्ट यूज करें, इंस्टेंस ऑफ उसका फॉर्मूला लिखकर। तो एक एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बताता हूं आपको, एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि आई की वैल्यू जो है वो आई प्लस ऑफ वन। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू जैसे किसी लूप में हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि आई की वैल्यू जो है वो प्लस वन होगी, फिर प्लस वन होगी, फिर प्लस वन होगी। तो इंक्रीमेंट हमको मालूम है कि वन से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंस्टेंस ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर कोड हम क्या करेंगे, एक आइडम्स यूज कर देंगे। तो आइडम्स हमको क्या कहता है कि आई एन सी, ये आइडम्स जो है ये इंक्रीमेंट करता है। और आइडम्स किसके लिए इंक्रीमेंट करना है, आई का। तो इसका जो मीनिंग है वो ये है। तो इंस्टेंस ऑफ राइटिंग दीज काइंड्स ऑफ फंक्शनैलिटी, व्हाट यू डू, यू विल ट्राई टू यूज द इनबिल्ट फंक्शंस। ओके, तो ये इंक्रीमेंट के लिए हो गया। सिमिलरली अगर हमको डिक्रीमेंट के लिए यूज करना है तो हम यूज करते हैं डीईसी, ये हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये सारी की सारी जो टेक्निक्स थी ये हमारी पीपल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में यूज होती हैं, और इन टेक्निक्स की मदद से हम कंपाइलर की एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।